हिमाचल में मोटरसाइकिलों से दुर्घटनाएं हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं में युवा अपनी जान भी गंवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं में बाइक की स्टंट दिखाकर युवाओं में बाइक के प्रति रुझान पैदा किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा स्टंट दिखाने के लिए शो भी दिखाए जा रहे हैं। ऐसे शो निजी तौर पर हो तब तक तो जायज है, लेकिन अगर इस तरह के व्यवसायिक शो सरकारी कॉलेजों में हो तो वह कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल या निशान खड़े करते हैं। यही नहीं, हद तो ये है कि ऐसा स्टंट शो परीक्षा के दौरान ही रख दिया गया, जिसमें एक तरफ जहां परीक्षा चल रही थी वहीं दूसरी ओर ऊंची वॉल्यूम पर स्टंट चल रहे थे, जो परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है और जिस पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जब इस बारे में कॉलेज के उप प्रधानाचार्य से पूछा गया तो उन्होंने इस बात पर पर्दा डालने का प्रयास किया कि बाइक शो से किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बाइक शो वाले वहां केवल विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी के बारे में अवगत करवाने आए थे और सब जब कॉलेज में परीक्षा नहीं थी उस समय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नियमों के अनुसार किसी भी तरह के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों में नहीं हो सकते, लेकिन सोलन के पीजी कॉलेज में इस तरह का कार्यक्रम जिसमें युवाओं में बाइक स्टंट के करतब दिखाकर उन्हें भी बाइक के प्रति आकर्षित किया जाए तो वह कितना जायज है उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं, वैसा तो बच्चे ज्यादातर घरों से पढ़ के ही आते हैं और थोड़ी देर अगर वो हुआ भी तो शायद ऐसा डिस्टर्बेंस तो किसी को नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ शायद जो भी उन्होंने रोड सेफ्टी के बारे में बताया वो थोड़े समय के लिए बच्चों के हित के लिए बताया और उस समय बच्चों ने उसका एंजॉय भी लिया शायद, मैं समझता हूँ। और वो जो रोड शो जो उस समय सेफ्टी शो देखने वाले लोग थे उसमें एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे नहीं थे, वो लोग थे जिनके एग्जाम नहीं थे और एग्जाम लगभग पूरे हो चुके हैं और अभी एग्जाम नहीं चल रहा, वो उन्होंने ये चीज बाकायदा बच्चों को बताई है कि आप ये चीजें ना करें, इसीलिए तो उन्होंने ये थोड़ा कुछ ऐसा बताया कि आप ये चीजें ना करें।